अभी तुझे दारू चाहिए, हम मंगवाए अभी। अभी हमको दारू चाहिए? हाँ मंगवाए। मंगवा दीजिएगा? मंगवा देंगे। इधर मिलता है का? जी। अब हमें के जे भी हाथ लगा दी हम मर जाता हड़िए हड़िए मार। भाभी बच के रहा, जेल में चल जाइबो। ना हम बच के ना रहा, हम नुकाय वाला लड़की ना है। हाँ। ना है ना, हम ना नुकाय। बिहार में शराब बंद है? नहीं बंद है। अरे क्या बात कर रही है, नीतीश कुमार तो शराब बंद कर दिया। नहीं बंद नहीं है, शराब बंद है? नहीं है। कैसे? हमसे पूछे नहीं बोल रहा। नहीं है, हम कह रहे ना अभी तुझे दारू चाहिए, हम मंगवाए अभी। अभी हमको दारू चाहिए? हाँ मंगवाए। मंगवा दीजिएगा? मंगवा देंगे। इधर मिलता है का? जी मिलता है। अबे नीतीश कुमार जब देखिए, आप तो बोलते हैं कि बिहार में जो है पूर्ण रूप से शराब बंद है, लेकिन ये बचिया जो है दावे के साथ बोल रही है कि अगर आपको शराब चाहिए तो हम मंगवा देंगे। यानी कि तुम्हारे गांव में मिलता है शराब? जी मिलता है। मिलता है? अभी तो नहीं मिलता है, अभी तो जरा मेरे सरकार में बंद है। नहीं तो अभी इधर जाते है ना, अभी इससे वो इतना ना दारू बेचता का पीते पीते भूत हो जाए। हाँ, जी। लेकिन प्रशासन के सामने कोई शराब नहीं पीता है ना? सही बात है। नीतीश कुमार जी के कारनामे को क्या कहिएगा? कहेंगे कि दारू बंद करा जाए, सब गरीबों लोग पीपर कर मर जाता है लोग, हमारा गरीब मर जाएगा तो हम क्या करेंगे, सब लोग का जनता मर रहा है जी। अगर मर जाए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनिए कि ना? ना बनी हन, ना बनी हन। अच्छा ना करल पता, अगर हम के गांव के लोग मर जाई तब वो लोग के वोट दिवा हम अपने जनता से वोट दिवा है। बस ढेर बहुत ज्यादा जनता हो गया है जी। पूरा बिहार तुम्हारा साथ है? मैं पूरा बिहार साथ है। ये जो है मात्र 8 साल की बच्ची जो है पूरा सिस्टम को हिलाने का दावा रखती है। ये तो डायरेक्टली बोलती है कि नीतीश कुमार जी तो शराब बंद किए हैं, लेकिन शराब हर एक जगह मिलता है। ये पूरे सिस्टम के खिलाफ जो है आवाज उठाने का प्रयास करा लगे। मौज इसका उम्र 8 साल है। क्या करती है बाबू तुम? हम पढ़ते हैं। पढ़ती हो जी? किस क्लास में? फोर क्लास में पढ़ती हो जी। साथ तुम्हारा मास्टर मतलब देखते हैं तुम्हारा वीडियो तो क्या बोलते हैं? जी अच्छा कहते हैं, कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, अपना आवाज को ऊंचा रखना चाहिए, नीचा नहीं रहना जी। गर बज गया है तुम्हारा, मनीष का सबको समर्थन कर? हाँ जी। गर बज गया ना जी, वो बुखार लग जाएगा जी। तू कुछ जानती है? जी जानते हैं। मनीष का सबके बारे में? जी। लड़का है? जी। लड़का है कि लड़की है? लड़का है। लड़का है जी। हाँ तो मनीष कश्यप के बारे में क्या जानते हैं? मनीष कश्यप अच्छा आदमी है, वो गरीब की आवाज उठाता है और उसको एनएस लगा के झूठ के जेल में डाल दिया है। तो भाभी बच के रहा, जेल में चल जाइबो। ना हम बच के ना रहा, हम नुकाय वाला लड़की ना है। हाँ। ना है, ना हम ना नुकाय है। अगर हमें के जे भी हाथ लगा दी हम मर जाता हड़िए हड़िए मार। क्या 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 क्या? अगर आके केव हाथ लगा दी तो मैं जानता हड़िए हड़िए मारी और जानता हड़िए हड़िए मारी। हाँ तसले तसले सब लोग कह रहे तसले तसले मार के मार दी जे टच कर दिखाई। सरकार आएगा ठीक है ना, पकड़ेगा बिठाएगा लेकर चल जाएगा। हाँ कहना दीजिए सरकार को बड़ा जेल बनवा ले, सभी हम बिहार चलेंगे जेले में। हाँ। जी क्या बात, देख सकते हैं। बाकी आप लोग बचिया के बारे में क्या सोचते हैं? पिंकी नाम है जो सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियां बिटोर रही है, इसका नाम पिंकी। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर अपना राय कमेंट सेक्शन में डालिएगा, इस बच्ची के बारे में क्या सोचते हैं। अभी आपसे बता दें कि अभी मेरी मौजूदगी जो है पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि गांव में था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।